रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन देखेंगे दैट विच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। सो द नेम ऑफ द यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट एंड द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर आर फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर सेकंड इज SI यूनिट्स, नंबर थर्ड इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मींस वो आला जिनके जरिए हम मेजर करते हैं किसको, लेंथ को, मास को एंड टाइम को। वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। आर फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप कहोगे कि टीचर फिजिकल क्वांटिटीज तो हमारे बुक में प्रेजेंट ही नहीं है। सो बेटा आपकी बुक में टाइम का जिक्र है, आपकी बुक में वेट का भी जिक्र है, आपकी बुक में लेंथ का भी जिक्र है और आपकी बुक में मास का भी जिक्र है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये बेटा इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनको पढ़ने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हम कहते किसको हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल, जो कि मेजरेबल हों एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स, और जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखो, सी अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखें, टेबल मौजूद होगी, चेयर मौजूद होगी। अगर मैं आपको कहूँ बेटा मुझे उस टेबल की आप जाकर लेंथ मेजर करके बताओ, तो आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछूंगी बेटा आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? यस टीचर आई कैन। तो आप क्या करोगे? आप स्केल लोगे और आप जाकर उस टेबल की लेंथ को मेजर करोगे। मेजर करने के बाद मैं आपसे पूछूंगी बेटा उस टेबल की लेंथ कितनी है, सो व्हाट यू विल टेल मी? आप मुझे बताओगे टीचर उस टेबल की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, या फिर आप मुझे वो जो लेंथ होगी वो आप मुझे नंबर में बताओगे। तो नंबर वन पॉइंट आपने क्या इसमें नोट किया? पहली पॉइंट आपने ये नोट किया कि आपने उस टेबल को क्या किया? मेजर किया। तो इसका मतलब क्या है कि वो मेजर टेबल जो है वो मेजर हो सकता है, ठीक। सेकंड आपने मुझे ये बताया कि वो टेबल जो है वो उसकी लेंथ कितनी है, आइधर 5 सेंटीमीटर है, आइधर 6 मीटर है और आइधर कितनी भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो आपने उसको नंबर में भी एक्सप्रेस कर दिया। तो ये दोनों क्वालिटीज़ अब इसमें मौजूद है। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर भी कर सकें, मतलब उनको हमने मेजर भी कर लिया, और सेकंड हमने उसको एक्सप्रेस भी कर दिया। किसमें एक्सप्रेस किया? नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हमने नंबर में बताया। तो सच क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक। फिर मैं कहूँ आपको कि बेटा जिस टेबल का आपने लेंथ मेजर किया है उसी टेबल का आप जाकर मुझे वेट मेजर करके बताओ कि आइदर उसका वेट मीन मास जो है वो कितना है। तो फिर आप दोबारा जाओगे, आप जाकर उसके वेट को क्या करोगे? मेजर करोगे, और फिर आप मुझे आकर दोबारा बताओगे कि टीचर फलां जो टेबल है उसका वेट जो है वो 10 kg है या 5 ग्राम है या 6 ग्राम है। आप अगेन मुझे उसको मतलब मेजर करके किस में एक्सप्रेस करोगे? नंबर में एक्सप्रेस करोगे। तो आपने उस टेबल को क्या कर लिया? मेजर भी कर लिया, मतलब वो टेबल मेजर भी हो सकता है, और दूसरा आपने उसको नंबर में भी एक्सप्रेस कर दिया, 10 kg बताया या 5 kg बताया। तो इससे आपको ये चीज़ आपको क्या बता रही है कि उस क्वांटिटी को, मतलब उस टेबल को, उस चेयर को आप मेजर भी कर सकते हो, और उस टेबल और उस चेयर का आप वेट और लेंथ भी मालूम कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर भी कर लें और जिनको हम नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर पाएँ, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अलावा हमारे पास एक और क्वांटिटीज़ भी मौजूद होती हैं जिनको ना तो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, मीन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर्स। वो ना तो नंबर में हम उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं और ना ही हम उनको मेजर कर सकते हैं। उनको हम मेजर भी नहीं कर सकते और नंबर में भी वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे आज कहा टीचर मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपसे पूछूँ कि बेटा आप कितने खुश हो? आप फिर कहोगे टीचर मैं बड़ा ही खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तो मैं आपसे अगेन पूछूंगी, बेटा आप कितने खुश हो? तो क्या आप मुझे ये कहोगे कि टीचर मैं आज 5 सेंटीमीटर बड़ा खुश हूँ, या आप मुझे ये कहोगे कि टीचर मैं आज 10 kg बड़ा खुश हूँ? नहीं, आप ऐसे नहीं कहोगे। आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आप कितने खुश हो। आप अपनी खुशी को नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप फॉर एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल ले लो, आप आज बहुत सैड हो। आपने मुझे कहा टीचर मैं बड़ा ही सैड हूँ। मैं पूछूंगी बेटा आप कितने सैड हो, क्या आप अपनी सैडनेस को नंबर में एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सच क्वान्टिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स, आप उनको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, और आप ना ही उनको मैयर कर सकते हो। आप अपनी खुशी को मैयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अपने सैडनेस को मैयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ना ही आप उनको मैयर कर सकते हो और ना ही आप उनको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो सच क्वान्टिटीज आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वान्टिटीज। So that you have understand now our first topic, physical quantities. Inshallah, in the next class, we will start from topic number 2, SI units.